नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल सभी के? हालचाल तो थोड़े ख़राब चल रहे हैं, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के जो IBPS PO और IBPS क्लर्क के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, 1 अप्रैल का इंतज़ार कर रहे हैं और सर टाइम कट ही दे रहा है। बहुत सारे बच्चों के कल ग्रुप्स में पर्सनली भी कुछ बच्चों के मैसेज आए कि सर एनजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। IBPS कुछ बच्चे IBPS PO का, कुछ बच्चे IBPS क्लर्क के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और टाइम कट ही नहीं हो पा रहा है सर। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है, बस दिमाग में ये चल रहा है कि क्या रिजल्ट होगा, क्लियर करेंगे नहीं क्लियर करेंगे। तो उन बच्चों के लिए सजेशन है कि अपने आप को थोड़ा बिजी रखने की कोशिश करो यार। थोड़ा सा अभी जो बचे हुए जो दिन है उसमें स्ट्रेस तो रहेगा ही रहेगा। जब अपने को ऑलरेडी पहले से पता चल जाता है, जैसे IBPS के केस में होता है कि इस दिन रिजल्ट आने वाला है, तो दिमाग फिर वो पहले से काम करना स्टार्ट कर देता है, सोचने लग जाता है होगा नहीं होगा, खराब सिनेरियो भी सोचने लग जाता है कि नहीं हुआ तो यार अब अपने आगे क्या करेंगे। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको 1 2 3 3 साल 4 4 साल हो चुके हैं प्रिपरेशन करते हुए, काफ़ी उम्मीदें हैं, जिन्होंने अच्छा अटेम्प्ट किया है कि अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। तो उन सभी कैंडिडेट से मैं कहूँगा, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, कोशिश कीजिए कि अपना रूटीन पढ़ाई का फॉलो कर पाए। अगर नहीं कर पाए तो पढ़ाई के रूटीन को थोड़ा कम करके बाकी एक्टिविटीज़ आप और कर सकते हैं, जैसे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ है, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर ली, कोई स्पोर्ट्स खेल लिया, कोई मूवी वगैरह देख ली, कोई सीरीज़ देख ली, कुछ एजुकेशनल अच्छा डॉक्यूमेंट्री वगैरह देख लिया, अलॉन्ग विद जो जितनी देर भी आप पढ़ पाएँ। तो खुद को बिजी रखने की कोशिश कीजिए और कुछ दिनों की बात है यार, और बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। पॉजिटिविटी रखो ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। जिन बच्चों ने मेहनत की है, सिंसियरली मेहनत की है ना, उनको उसका फल ज़रूर ज़रूर मिलेगा, रिवॉर्ड इसका ज़रूर मिलेगा 1 अप्रैल को। एंड आई एम श्योर कि 1 अप्रैल को वो जो इंतज़ार कर रहे हो ना उस मैसेज का, ग्लैड टू इन्फॉर्म यू वाला, वो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और 1 तारीख के रिजल्ट के लिए सभी को मेरी तरफ से यार बेस्ट ऑफ लक। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो, स्पेशली जो ज़्यादा से ज़्यादा जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं ना उनका ज़रूर सिलेक्शन हो। तो ये कुछ बातें आप लोगों के साथ करने के लिए, शेयर करने के लिए, क्योंकि काफ़ी बच्चों के ग्रुप्स में भी चैट ऐसे चल रही है, मैसेजेस भी आ रहे हैं कि सर बड़े परेशान हो रहे हैं, क्या करें, एनजाइटी से मरे जा रहे हैं, स्ट्रेस से बिल्कुल मतलब टाइम नहीं कट रहा है 1 1 मिनट। तो उनके लिए कुछ सजेशन है, खुद को बिजी रखने की कोशिश करो। पढ़ाई से नहीं हो पा रहा है तो बाकी रिक्रिएशनल चीज़ें भी आप कर सकते हो। पॉजिटिविटी रखने की कोशिश करो, माइंडसेट को पॉजिटिव रखने की कोशिश करो, अच्छा ही सोचो कि बढ़िया ही होगा, अगर हमने मेहनत की, अच्छा पेपर देकर आए तो बढ़िया ही होगा, है ना। ऑल्दो दिमाग हमेशा नेगेटिव साइड पे लेके जाता है, पर उसे फिर से खींच के पॉजिटिव साइड पे लेके जाओ। और 1 अप्रैल को यही आशा है, यही उम्मीद है कि आप बहुत बहुत अच्छा करेंगे और वो जो इंतज़ार है ना, वो मैसेज का जो मैंने बताया, वो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर द रिजल्ट, टेक केयर।